किससे दीक्षा लेंगे? साधारण मनुष्य से तो दीक्षा लेना संभव नहीं। अरे दीक्षा तो वही दे सकते हैं जो सामर्थ्य है, जो परतत्व विषय बोध हो गया है, जो जान गए हैं, जो संसार चक्र से मुक्त करा सकते हैं, वही सदगुरु पदवाच्य, वही सदगुरु हो सकते हैं। जहां तहां कान फूकने से कुछ नहीं होता है, और ज्यादा ही परेशानी आ जाती है कभी कभी, कभी कभी गुरु के आचरण में दोष दृष्टि आ जाती है, क्योंकि है वैसे ही, हम जैसे कोई गुरु बनोगे तो क्या मिलेगा, तो दोष जी तो आ ही जाएगी, अरे ये तो खा रहा है पी रहा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो कुछ बदन बदन तो कुछ देखते नहीं है, मन ही मन में ऐसे भावना आ जाती है, प्राकृत बुद्धि है ना। तो इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ऐसे गुरु नहीं होता है, गुरु सबको हो नहीं सकता है। गुरु का लक्षण होता है, शास्त्र में वर्णन किए हैं गुरु कौन हो सकते हैं, समस्त दोष वर्जित है, अनुभव संपन्न, आचार्य मांग बिजानिया, साक्षात भगवती बुद्धा, नाम अर्थ बुद्ध करिषित, उनके प्रति हमारे भगवत बुद्धि, जे ये साक्षात भगवान है, ऐसे बुद्धि होनी चाहिए। इस बुद्धि तो ऐसे नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए ना, कम से कम 12 साल तो गुरु को परीक्षा करना चाहिए। क्या परीक्षा करना चाहिए, जो हम जिसके सान्निध्य में आए हैं, जिनकी कृपा प्राप्ति के लिए हम आए हैं, वो हमको संसार सागर से उद्धार करने में समर्थ है कि नहीं, एक नंबर। दो नंबर है, इनके आचरण में हमारे कोई दोष दृष्टि आती है कि नहीं, दो नंबर। तीन नंबर है, इनको हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, ये तीन देख करके जब निस्संद हो जाते हैं 12 साल, हाँ हम निस्संद हम दिखे हैं जो गुरु में ये समर्थ है, हमारे गुरु में ये हम संसार सागर से पार कर सकते हैं, इनके आचरण में हमारी कोई दोष दृष्टि है नहीं, इनका हम ईश्वर बुद्धि कर सकते, तब जाके दीक्षा लेना। आजकल तो क्या होता है, सुबह आया शाम को कान फूक दिया गुरु हो गया, अरे ऐसा थोड़ी होता है। गुरु परीक्षा शिष्य परीक्षा, गुरु देखेंगे वो जो हम जो वस्तु देंगे वो ठीक ठीक साधन करेंगे कि नहीं, ना कि गुरु बन के वो भी साला खरिया गुरु बन करके ऐसे ही समाज को बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरम में ठेलम ठेला। आजकल तो ऐसा होता, हम जैसे को गुरु बना लेते हैं। क्या बोलो, जैसे एक साथ में दीक्षा तो नहीं होती ना, पहले नामकरण, पहले नाम लेना चाहिए, हरिनाम दीक्षा होती है, फिर हरिनाम दीक्षा से 10-12 साल साधन करना पड़ता है, साधन करके चित्त शुद्धि होती है, शुद्धिकरण होने का बाद फिर जाके दीक्षा होने के पत्र बन जाता है भगवत कृपा से। ऐसा किसी ने जैसे हरिनाम लिया है या राधा नाम किसी से लिया है, तो वो दीक्षा किसी दूसरे गुरु से भी ले सकते हैं? हाँ, खूब ले सकता है, अगर ऐसे सदगुरु मिल जाए तो, इसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा नहीं जिससे नाम लिया है उनसे ही दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रतिबंध है ही नहीं हमारे शास्त्र में, वो तो शुद्धिकरण के लिए। गुरु प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से हरिनाम दीक्षा ले रहा हूँ, तो उनको तो गुरु हिसाब से गुरु पदवाच्य है, ठीक है, तो हमारा गुरु निष्ठा में तो हानि हो रहा है ना। गुरु निष्ठा में क्यों हानि होगा, क्यों नहीं होगा, हम एक 10 गुरु थोड़ी कर सकते हैं ना। अगर भगवती बुद्धि है तो उस तुम साधन करो, तुमको स्वयं सद्गुरु आकर के वही गुरु तुमको दीक्षा दे देंगे, ऐसे थोड़ी है, वही गुरु तुमको दीक्षा, गुरु तो भगवान है ना, तो तुम भगवान को ढूंढ के कैसे निकालोगे, कौन भगवान है, कौन सद्गुरु है, कैसे तुम गुरु को चयन करोगे, तुम्हारी इतना बुद्धि थोड़ी है, गुरु को प्रकाश थोड़ी किया जाता है, गुरु स्वयं आ जाते हैं, जब तुम्हारा समय होगा तो गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तुमको कृपा करने के लिए। ध्रुव महाराज क्या गुरु ढूंढने गए थे जंगल, 5 साल के ध्रुव महाराज पिता उत्तानपाद विमाता के सूरज के शब्द से बड़ा कष्ट पा करके चले गए हैं, विमाता ने इतना कठोर शब्द कह दिया, जे तू पिता का गोदी में चढ़ना चाहता है विमाता, अरे सुन, तू अगर
पिता का गोदी में तू बैठना चाहता तो एक काम करना, सुन, तू जाके हरि भजन करना है। हरि भजन करके जब भगवान आएंगे तेरे को वर देने के लिए, तू क्या वर मांगेगा? छोटा बच्चा है ना, इस तरह से बोल रहा है, क्या वर मांगेगा? वर मांगना जो प्रभु तुम हमको हमारे धी माता के उदर में हमको जन्म दो, फिर हमारे उदर में आकर के तू जन्म लेगा, तभी जाकर के तू पिता के गोदी में चल। पिता के गोदी में बैठने गया छोटा बच्चा, उत्तम को लेकर आदर कर रहे हैं, वो भी छोटा है, जाकर के पिता के जाकर के बाबा हम मेरे को गोदी में धी माता आकर के ऐसे शब्द बोलते, क्षत्रिय बालक है, एकदम तिल मिला गए, एकदम फूल करके लाल हो गए, इतना कठोर क्षत्रिय का बच्चा है ना। माँ तो बहुत समझाया, दिखा जी ये तो बच्चा है थोड़ा समझा दें, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ नहीं, रात को अंधकार में निकल गया, हम हरि भजन करके पिता का गोदी में चढ़ेंगे, हम हरि को भजन करेंगे और हरि को प्राप्त करके ही हम घर लौटेंगे। क्षत्रिय वाला जानते नहीं है, जंगल में जाकर के शेर भालू देखते, कभी देखा नहीं, गला पकड़ लेते, तुम हमारे हरि हो, तुम्हारे हरि हो, हाँ हरि, हाँ हरि। भगवान जान गए हैं, जिसको समय हो गया है, नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ तुम जाके कृपा करो। जंगल में नारद ऋषि गुरु आ गए, ऐसे ही गुरु को थोड़ी प्रकट किया जाता है, तुम्हारे समय तुम्हारा आधार ठीक नहीं, अभी तक तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ नहीं, तुम हाँ गुरु तुम भगवान को अनुसंधान करके तुम दीक्षा लेकर के राते रात में सिद्ध हो जाओगे, इसीलिए तो ये अनर्थ हो रहा है ना। करोड़ों हमारे भारत में 130 करोड़ है, उसमें उसके अंदर 100 करोड़ तो हमारे हिंदू है, हिंदू के अंदर कम से कम 50 करोड़ तो दीक्षित है, सब सिद्ध हो गया दीक्षा लेने से ही, दीक्षा लेकर के प्रपंच संसार चक्र में कुछ गोता लगा रहा है। क्या होता है दीक्षा? चेतन सत्ता को जगाने, जो जगाने में समर्थ है सुप्त चेतन सत्ता, वो है गुरु पद बच्चा, ऐसे थोड़ी होता। जिन गुरु को हम हृदय से गुरु मानते हों, वो दीक्षा नहीं देते हों, तो उसका क्या उपाय है? उसमें भी कल्याण होगा। अगर दीक्षा पुरुषर्चा विधि अपेक्षा न करे, जिब्ब स्पर्श आचंडल सबरे उद्धारे, दीक्षा पुरुषर्चा का कोई इंतजार नहीं है, परिणाम में इतनी शक्ति है, अगर तुम निष्ठा लेकर के गुरु के प्रचरण में एकांती श्रद्धा लेकर के तुम एक निष्ठ होकर के तुम भजन करते हो, माया से विमुख होकर के जागतिक वस्तु पदार्थ से अनाशक्त होकर के एक निष्ठ होकर के तुम भजन करते हो, तो ऐसे नहीं तुम भगवत प्राप्ति हो सकती है, इतने तो नाम में तो इतनी शक्ति है। हम किसी से अगर गुरु आज्ञा दें उन शिष्य को कि तुम हमको तो राधा रानी की अनुमति नहीं है दीक्षा देने की, तुम किसी और संत से जाके दीक्षा ले लो, हमारे पास आया कितना को हमने दीक्षा दिला दिया उन दूसरे जगह, तो ऐसे में बाबा वो जो साधक है उस वो क्या समझे कि हमारी गुरु निष्ठा की परीक्षा दे रहे हैं या गुरु हमको आज्ञा दे रहे हैं, और क्या वो जिनके पास भेज रहे हैं उनके पास जाके कि हमें वो वाली गुरु बुद्धि उनमें भी आ पाएगी जो हमारी इनमें है? ये तो उनकी उनकी मानसिकता, हम कैसे कहें, अगर निष्ठा लेके वो तो परीक्षा तो होगी, निष्ठा तो रहना चाहिए, निष्ठा लेके बैठे रहो, ये नाम तुमको वंचना थोड़ी करेंगी, नाम सरार स्वयं संपूर्ण, नाम हो तो सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन, इतना सब नाम हित है, एक नामे करे सर्व पाप क्षय, चित्त আকর্ষিত করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়, আনুষঙ্গিক ফলে করে সংসারের ক্ষয়, চিত্ত আকর্ষিত করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়। তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা এ তো হনি চাইয়ে না, এত সহজ হয়। লেকিন হমনে এসা ভি দেখা হ্যায় কি আপকে প্রতি জো দৃঢ় নিষ্ঠা রাখে হুয়ে হ্যায় উনকো আপ ইয়ে আদেশ নাহি দেতে কি তুম দূসরে গুরু কে পাস চলে যাও। হাম পহলেই বোল দেতে হ্যায় সবকো, সবকো বোল কে রাখে হ্যায়, जिसका जहाँ पसंद है वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि इसकी निष्ठा हमारे प्रति ही है, उसको तो आप आदेश नहीं करते, तो हम क्या करें भाई, ये छोड़ते नहीं,
पीछा छोड़ते नहीं, तो हरिनाम लेकर के भाई हमारा पास जो है वही ले भाई, तो क्या करें अब, ये हमारा तो मामला नहीं है क्यों, हम तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जे आ जाओ तुमको दिखा देंगे, किसी का आज तक कहा कोई व्यक्ति कह दे जो हमको बाबा ने प्रभावित करके हमको बाध्य किया है, हमको मजबूर किया है, ऐसा कह दे कोई। पहले तो हम सबको हाथ जोड़ते हैं भाई, देखो ये नाम पाम दीक्षा भिक्षा हमको चक्कर में नहीं फंसाना, हम तो भाई फक्कुरदार बाबा जी है, बस हमको सब हमारा भाई है, सब हमारा मित्र है, ऐसी भाव है हमारा, गुरु बुद्धि गुरु भावना हमारे भीतर है ही नहीं, गुरु बनना हमको पसंद नहीं, सीधा बात मैं कहता हूँ, सबको बोल देता हूँ, मानते नहीं सासे, चल भाई हरि नाम कर, तेरा जो मन से तू करना कर, नहीं करना मत कर, ऐसे।